Hello everyone, I'm Sadesh from Manzil Institute and today I have come up with the topic profit and loss. And now we will discuss the problems of dishonest sellers. So let's begin. Our first question is, a dishonest milkman sells milk at CP but cheats to the extent of 20% while buying as well as selling by using false weight. Find the profit percentage. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि dishonest milkman है, वो जो milk sell करता है वो CP पे करता है बट वो क्या करता है, चीटिंग करता है 20% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग. तो जब हम बाइंग का केस लेंगे 20% मतलब 1/5, तो 5 के ऊपर वो 1 पार्ट की चीटिंग कर रहा है. दैट मीन्स 5 से 6 वो जो पॉज दे रहा है वो तो वो 5 का दे रहा है बट वो जो परचेज कर रहा है वो 6 आइटम्स लेकर आ रहा है. नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो 20% वो चीटिंग कर रहा है वो सेलिंग के टाइम भी कर रहा है. दैट मीन्स ये तो सेम ही रहेगा. तो जो चीटिंग का पार्ट हो वो 5 से 4 हो गया, एक पार्ट कम हो जाएगा क्योंकि वो चीट कर रहा है सेलिंग के टाइम. बट सेलिंग के टाइम उसको रेशो को रिवर्स कर देते हैं, मतलब उसने पॉज जो दिया वो 4 का दिया बट वो जो लेकर आया वो 5 लेकर आया. तो बस यही हमारा रेशो बन जाएगा. इससे हम आगे कटिंग करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. 5 से 5 एंड ये 2 और 3, दैट मीन्स हमारा रेशो बन गया वो 2:3 बन गया. तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1, एंड हमारा सीपी क्या है, 2. तो जब आप इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो वो 50% आ जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू 50%. दैट मीन्स उसे ओवरऑल 50% प्रॉफिट हुआ है. सो नाउ वी विल बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% मोर एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. 30% ज्यादा मार्क कर रहा है मतलब उसने अपना मार्क प्राइस जो है वो 30% बढ़ा दिया सीपी से एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. 30% हमारा रहता है is equal to 3/10. That means 10 के ऊपर चीटिंग करके 30 प्राइस बढ़ाकर उसने उसको 13 कर दिया. नेक्स्ट है ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%. 10% हमारा क्या रहता है, 1/10. दैट मीन्स 10 से 9, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है 10 के ऊपर एक का, तो जो हमारा ये बनेगा रेशो ये बनेगा 10 से 9. नेक्स्ट हमारी फिर से बाइंग एंड सेलिंग वाली बात हो रही है. ही चीट्स 20% बाई बाइंग मतलब 1/5, दैट मीन्स 5 के ऊपर एक की चीटिंग कर रहा है तो वो हमारा हो जाएगा 5 से 6. नेक्स्ट अब हम सेलिंग पर आते हैं, दैट इज 10%. तो 10% क्या होता है, 1/10 मतलब 10 से 9, बट हमारा सेलिंग में क्या होता है, रेशो उल्टा हो जाता है, 10 से 9 की जगह 9 से 10 हो जाता है, तो वो 9 से 10 हो जाएगा. हमें ये मिल गया हमारा सारा रेशो, हम इनसे अब सॉल्व करेंगे. 9 से 9 कट गया, 10 से 10, 2 5s are 2, 3s are, तो हमारा जो ये रेशो बना हुआ है 25 और 13, 3s are 39. दैट मीन्स 25 के ऊपर उसने 14 की चीटिंग करके हमारा 39 पे सेल किया. दैट मीन्स 14 प्रॉफिट हुआ. और सीपी कितना है हमारा, 25. देन इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 25 1s are 25 4s are, ये हमारी आ जाएगी 56%. दैट्स इट. यही थे हमारे दो क्वेश्चन डिसऑनेस्ट सेलर के, जो बहुत कॉमन टाइप है जहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं. इसको ईजी वे में कैसे करना है अब सारा आपको आई होप समझ में आ गया हो. थैंक यू.